हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल्स वाले वीडियोस में। और आज हम सीखेंगे ये बनाना। आपने बहुत से वीडियोस में, खासकर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में, ये 3D कैमरा एनिमेशन देखी ही होंगे। मैं भी अक्सर अपने इंट्रोस में ये यूज करता हूँ, जो वीडियो को बहुत आकर्षित बनाता है। तो अगर आपको ये सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना और मुझे सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स सी हाउ इट्स डन। तो मेरे पास बहुत सारे PNGs हैं, जिसको मैं इस तरह से एक के ऊपर एक रखता जाऊंगा। इसको इस क्रम में रखना है कि जो भी चीज आप पीछे में चाहते हो उसे नीचे में रखो, और जो भी चीज आपको आगे चाहिए उसे ऊपर रखो। अगर आप नहीं समझे तो बाद में समझ जाएंगे। इन सब को यहाँ पर लाने के बाद हम यहाँ एक कैमरा लेयर को ऐड करेंगे, और साथ ही मुझे टाइमलाइन पर दो पॉइंट्स भी बनाने हैं। एक यहाँ बना लेता हूँ एक सेकेंड पर, और दूसरा यहाँ पर। मैं व्यू वाले ऑप्शन को 2 व्यू पर सेट कर दूंगा, जिससे हमारे पास 2 स्क्रीन आ जाते हैं। जो लेफ्ट स्क्रीन है उसको हम टॉप पर सेट करेंगे, एंड जो राइट स्क्रीन है उसको मैं एक्टिव कैमरा पर सेट करूंगा। हमें सभी PNGs को 3D में कन्वर्ट कर देना है। अब सबसे नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्काई वाले PNG को सिलेक्ट करो और उसे जेड डायरेक्शन में पीछे की ओर ले जाओ, जितना दूर आप ले जा सकते हो। फिर उसके बाद इस ग्रीन माउंट को भी सिलेक्ट करो और उसे आसमान के ठीक आगे रखना है। एंड फिर इस लैंड को सिलेक्ट करके इसे उस पहाड़ के आगे रखना है, और क्लाउड को उस लैंड वाले PNG के आगे। हमें सभी PNGs को इस तरह से एक के बाद एक इस लाइन से रखते जाना है। ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये क्लाउड वाली PNG सिर्फ एक ना रहे, बल्कि ज्यादा रहेंगे तब सही रहेगा। तो मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसे भी जेड डायरेक्शन में अलग अलग जगह शिफ्ट कर देता हूँ। अब सभी लेयर को हाइड कर दो। अब हम फिर से नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले स्काई वाले लेयर को अनहाइड करते हैं। हम सबकी साइज को एडजस्ट करेंगे, जैसे कि ये स्काई बहुत छोटा लग रहा है तो इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, ताकि स्क्रीन के साइज का हो जाए। अब बारी है ग्रीन माउंट की। ये भी बहुत छोटा लग रहा है, इसे भी स्क्रीन में फैला देंगे और सही से एडजस्ट कर देंगे। इन क्लाउड को भी आगे पीछे इस तरह से हम जमा देंगे। मैं इन सब PNGs को आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप अपने खुद का एलिमेंट यूज कर सकते हो। अब हम कैमरा वाले लेयर पर जाते हैं और इसके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ऑन करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पोजीशन के स्टॉप वॉचेस पर क्लिक करेंगे, जिससे सेकंड मार्कर पर 2 keyframes ऐड हो जाएंगे। अब फर्स्ट मार्कर पर आएंगे। अब लेफ्ट वाले स्क्रीन पर कैमरा वाले लेयर को सेलेक्ट करके जेड डायरेक्शन में पीछे ले जाएंगे स्काई लेयर के पास, कुछ इस तरह। ये हमारा स्टार्टिंग स्क्रीन होगा। यहाँ एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ये टेक्स्ट भी सही से दिख नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, इस पर मैं एक ड्रॉप शैडो इफेक्ट ऐड कर देता हूँ, और बस हमें इसके डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाना है, लगभग 15-16 तक। साथ ही सभी लेयर की तरह इसे भी 3D बनाना है, और लेफ्ट स्क्रीन पर जैसे सबको मूव किए थे जेड डायरेक्शन पर, इसे भी उसी तरह से मैं स्काई की तरफ ले जाऊँगा। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो प्लेन है ये ऐसे ही रुका रहेगा स्क्रीन पर, तो सही नहीं दिखेगा, इसलिए हमें इसे भी एनिमेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसके पोजीशन के स्टॉपवॉच पर क्लिक करके एक कीफ्रेम ऐड करता हूँ। थोड़ा आगे जाकर इसे कुछ आगे मूव कर देते हैं। ओ, ये तो स्क्रीन पर दिख ही नहीं रहा, थोड़ा और काम करना पड़ेगा। इस कीफ्रेम को थोड़ी देर के लिए मैं इधर लाता हूँ, ताकि मैं इस प्लेन को देख पाऊँ, और इसे हम नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं। फिर वापस से कीफ्रेम को उसके पुराने जगह पर ले जाना। ये प्लेन कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। साथ ही ये जो एंड की फ्रेम है, इसकी पोजीशन को भी मैं नीचे ला देता हूँ। अब सही से ये दिख रहा है। मैं एक चीज भूल गया था, इन की फ्रेम्स पर हमें कर्व लगाना है। इन्हें सिलेक्ट करेंगे, फ्लो चार्ट पर जाएंगे और कुछ इस तरह का फ्लो बनाएंगे, जो शुरुआत स्लो से होगा, फिर फास्ट होगा, फिर से स्लो हो जाएगा। इसे अप्लाई कर देंगे। ये सब हो जाने के बाद हम यहाँ एक नल को ऐड करेंगे। ये कुछ ना दिखने वाली चीज है, मुझे बस कैमरा को इस नल से कनेक्ट करना है, इसलिए मैंने ऐड किया है। तो इस थ्रेड से इसे हम लिंक कर देंगे। डायरेक्ट कैमरा पर कोई इफेक्ट मैं ऐड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने नल से इसे कनेक्ट किया है। अब नल पर हम एनिमेशन कंपोजर से एक इफेक्ट ऐड करेंगे, जिससे स्क्रीन थोड़ी सी विगल करती है। ये वो इफेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसे हम अप्लाई करेंगे। इसकी इंटेंसिटी को सिर्फ 15 ही रखना।
अब सारी PNGs पर एक इफेक्ट ऐड करना है ग्लो। पहले मैं इस बुक पर ऐड करता हूँ, तो ग्लो का रेडियस मैं 100 कर देता हूँ और ग्लो की इंटेंसिटी को जस्ट 0.6 रखना है। अब इस ग्लो को कॉपी करेंगे एंड बाकी सभी लेयर में पेस्ट कर देंगे। वैसे मैंने कैमरा पे ये वी एक्स्ट्रा लगा दिया था जो मैंने ध्यान नहीं दिया। मार्कर का इस साइड और उस मार्कर का उस साइड मुझे काम का नहीं है, तो उन्हें हम रहने देते हैं। मेरे पास 3 ओवर लेज है जिनको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। पहले तो इसकी ब्लेंडिंग मोड पर जाकर हम इसे लीनियर डॉच पर सेट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। पर ये कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा कम करना चाहूंगा। इन दोनों लेयर की ऑपेसिटी पर जाते हैं और इन्हें सिर्फ 70% पर सेट कर देते हैं। एक और चीज है एडजस्टमेंट लेयर, उसे हम ऐड करते हैं। हमें इस पर एक इफेक्ट लगाना है और वो है CC विनेट इफेक्ट, तो इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी सब हो जाने के बाद हम इन सब को प्री कंपोज कर देंगे। एक और लास्ट चीज जो बचा है वो है कि हमें इस प्री कंपोज पर एक इफेक्ट ऐड करना है, बेजियर वर्प। इनके कोनों को होल्ड कर हमें इस तरह से इसमें खींच देना है एंड एट द एंड ये कुछ ऐसा लगेगा। तो फिर थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर देना, और भी ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे।